हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की आज के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की प्लेलिस्ट दी हुई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें। तो देखते हैं आज के पहले सवाल को। आज का पहला सवाल है, पाशुपत संप्रदाय से संबंध रखने वाले गुरु विश्वरूप का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? आपके ऑप्शन है ए बिजोलिया शिलालेख, बी रणकपुर प्रशस्ति, सी राज प्रशस्ति, डी हर्ष पर्वत का शिलालेख। तो इसका सही आंसर है डी हर्ष पर्वत का शिलालेख। अगला सवाल है, सूची एक को सूची दो से मिलाकर सही उत्तर का चयन करें। सूची एक में राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र के नाम दिए हैं और सूची में वर्तमान जिले दिए हैं जहां पर ये स्थित हैं। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों में अनंत गोचर, स्वर्णगिरी, कांठल और अरबू दिए हैं, जबकि वर्तमान जिलों में सिरोही, प्रतापगढ़, जालौर और सीकर दिए हैं। तो इस सवाल में तीन नंबर सही है, यानी अनंत गोचर सीकर में है, स्वर्णगिरी जालौर में है, कांठल प्रतापगढ़ में है और अर्बुद सिरोही में है। अगला सवाल है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लागवा का उल्लेख किस ताम्रपत्र में मिलता है? आपके ऑप्शन है ए चीकली ताम्रपत्र, बी आहट ताम्रपत्र, सी पुर ताम्रपत्र, डी खेरोदा ताम्रपत्र। तो इसका सही आंसर है ए चीकली ताम्रपत्र। अगला सवाल है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए साबी नदी, बी बनास नदी, सी कांतली नदी, डी घग्गर नदी। तो इसका सही आंसर है सी कांतली नदी। अगला सवाल है, किस अभिलेख में प्रतिहार शासक कक्कू की आभीरों पर विजय का उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन है ए बिजोलिया अभिलेख, बी चिरवा अभिलेख, सी अर्थुना अभिलेख, डी घटियाला अभिलेख। तो इसका सही आंसर है डी घटियाला अभिलेख। अगला सवाल है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए दयाराम साहनी, बी वीरेंद्र नाथ मिश्र, सी अमलानंद घोष, डी अक्षय कृति व्यास। तो इसका सही आंसर है सी अमलानंद घोष। अगला सवाल है, बेराट के पास भीमजी की डूंगरी से किस शासक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी रुद्रदामन। तो इसका सही आंसर है बी अशोक। अगला सवाल है, आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष किस कालखंड से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है ए ताम्रपाषाण युग, बी कांस्य युग, सी लोह युग, डी मध्य पाषाण युग। तो इसका सही आंसर है ए ताम्रपाषाण युग। अगला सवाल है, मोखरी यूप अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ए आहड़, बी बड़वा, सी बेराठ, डी बडली। तो इसका सही आंसर है बी बड़वा। बड़वा से प्राप्त मोखरी यूप अभिलेख मोखरी वंश से संबंधित है और ये 12 जिले में स्थित है। अगला सवाल है, राजस्थान की बनास संस्कृति किस काल से संबंध रखती है? आपके ऑप्शन है ए कांस्य युगीन काल, बी ताम्र पाषाण काल, सी लोहे युगीन काल, डी न पाषाण काल। तो इसका सही आंसर है बी ताम्र पाषाण काल। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से स्थल लघु पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है? नंबर एक गणेश्वर, नंबर दो धनेरी, नंबर तीन सोजत, नंबर चार तिलवाड़ा। आपके ऑप्शन ए एक और दो, बी दो और तीन, सी दो तीन और चार, डी एक दो तीन और चार। इसका सही आंसर है सी दो तीन और चार। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थल से अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं? आपके ऑप्शन है ए लोथल, बी कालीबंगा, सी चनुदड़ो, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है बी कालीबंगा। अगला सवाल है, पाषाण कालीन स्थल बागोर किस नदी के किनारे अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए साबी नदी, बी कोठारी नदी, सी बनास नदी, डी कांतली नदी। तो इसका सही आंसर है बी कोठारी नदी। अगला सवाल है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी श्रीगंगानगर, डी झालावाड़। तो इसका सही आंसर है सी श्रीगंगानगर। अगला सवाल है, निम्न में से आहड़ सभ्यता के संदर्भ में कौन से कथन सही है? नंबर एक यहाँ के लोग चावल से परिचित थे, नंबर दो आहड़वासी तांबा गलाने की विधि जानते थे, नंबर तीन धातु निर्माण आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था,
नंबर 4, यहाँ से काले लाल रंग के वृद्धमान मिले हैं जिन पर सफेद रंग से ज्यामिति आकृतियां बनाई गई हैं। आपके ऑप्शन है ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2, 3 और 4। अगला सवाल है, निम्न में से किस अभिलेख में मानसरोवर झील का उल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन है ए मानमोरी अभिलेख, बी मंडोर अभिलेख, सी घटियाला अभिलेख, डी कणसवा अभिलेख। तो इसका सही आंसर है ए मानमोरी अभिलेख। अगला सवाल है, राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर यानी सिटी ऑफ स्टेप बेल्स के नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है ए अलवर, बी उदयपुर, सी बूंदी, डी अजमेर। तो इसका सही आंसर है सी बूंदी। अगला सवाल है, राजस्थान के अजमेर शहर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1865, बी 1875, सी 1905, डी 1835। तो इसका सही आंसर है बी 1875। अगला सवाल है, राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए झालावाड़, बी सिरोही, सी जैसलमेर, डी धौलपुर। तो इसका सही आंसर है सी जैसलमेर। अगला सवाल है, राजस्थान के किस शहर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए बीकानेर, बी श्रीगंगानगर, सी उदयपुर, डी जैसलमेर। तो इसका सही आंसर है डी जैसलमेर। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।